तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब एक स्टडी सेंटर, और लाइक एंड शेयर, चैनल को लाइक भी करो और शेयर भी करो, क्योंकि यह चैनल ये सारे विद्यार्थी आप लोगों का है, तुम लोगों का है। चैनल को जितना लाइक करोगे और जितना सब्सक्राइब करोगे तो यह चैनल अब तुम लोगों का अपना चैनल है, और तुम लोगों का हमेशा यह चैनल साथ देने वाला है और तुम लोगों को कामयाब करने वाला है। और सारा आइडिया और सारा बुद्धि हम बताएंगे कि तुम लोग आगे कैसे बढ़ेगा और तुम लोग कामयाब हो गए। तो इसलिए चैनल को सबसे पहले खाना पीना छोड़ के, नाश्ता छोड़ के चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो बाद में चैनल को सब्सक्राइब करोगे ही, पढ़ने का आदत डालो। यह बहुत ख़राब बात है कि तुम लोगों का गार्जियन भी परेशान रहता है, बार बार बोलता है बच्चा पढ़ता नहीं अपने मन से, और सर बताइए समझाइए, तो पढ़ोगे तो तुम लोगों को फ़ायदा होगा, पढ़ोगे तो किसको दोगे, सर को दोगे या किसको दोगे, तुम लोग को फ़ायदा होगा। तो अपने से भी पढ़ने का आदत डालो, घर में पढ़ो, होमवर्क करो, बनाओ, और कुछ अपने से भी पढ़ो, और इंटरनेट से पढ़ो, यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, एक स्टडी सेंटर से पढ़ो, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे जिस टॉपिक पर वीडियो चाहे, चाहे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, सिविक्स में, साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में, स्पोकन में, अर्थमेटिक में, रीजनिंग में, बिजनेस में, बिजनेस स्टडीज़ में, मोटिवेशन में, नेटवर्क मार्केटिंग में, आयुर्वेदा में, जिस चीज़ में वीडियो चाहिए, या और भी साइकोलॉजिकल संबंधित कोई भी चीज़ का, किसी मैटर पर कोई चीज़, स्पेस से संबंधित, यूनिवर्स से संबंधित कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन है, अगर कॉन्सेप्ट कोई भी ऐसा चीज़ जो किताब में नहीं मिल रहा है, इंटरनेट में नहीं मिल रहा है, तो उसको लिखो और हम उसको क्लियर करेंगे और बताएंगे, सारा जानकारी मिलेगा वहाँ पर। जिस तरह सुडोमोनास से रहेंगे, एक स्टूडेंट ने पूछा था क्या है, तो इंटरनेट में थोड़ा निकालना इस प्रकार का बहुत दिक्कत तकलीफ हो जाता, तो हम भी बताएंगे, राइट, व्हाट इज द रोल ऑफ सुडोमोनास से रहेंगे इन द प्रिसिपिटेशन। तो ये सब चीज़ हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यही बता रहे हैं तुम लोगों को कि थोड़ा पढ़ाई में रुचि डालो, और पढ़ाई से संबंधित हर काम करो जिसमें नॉलेज से संबंधित हो। पढ़ाई हो रहा है, कोई पढ़ाई का बात बोल रहा है, उसके बात को सुनो, जो पढ़ाई का वीडियो, उस वीडियो में कुछ पढ़ा रहा है तो उस वीडियो को भी देखो। किताब ही पढ़ाई का जरिया नहीं है, और अभी जो 21st century हो गया, अभी किताब, जहाँ किताबों में नॉलेज है वहीं पर इंटरनेट, वीडियो और इस प्रकार के ऑनलाइन एजुकेशन भी एक महत्वपूर्ण आयाम बन गया, और कभी कभी यहाँ पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड का भी क्वालिटी और कंटेंट वीडियो में, यूट्यूब में भी है। तो इसके महत्व को समझो, कभी कभी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट और जानकारी मिलता है। तो ये माइंड सेट अपना लकीर का फकीर चेंज करो कि पढ़ाई किताबों में ही होती है, या कोई टीचर ही बोलेगा, या स्कूल में ही जाकर पढ़ा जा सकता है, ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ाया जा सकता है। तो पढ़ाई कई तरीके से किया जा सकता है, उन तरीकों से भी किया जा सकता है, और इन तरीकों से भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ को समझो, और ये सब किताब भी दिया हुआ, बहुत सारे विद्यार्थी इसको किताब में नहीं पढ़ते हैं, जैसे झारखंड शिक्षा परियोजना के बुक में भी एक चैप्टर है जो गूगल उसमें दिया है, जिस प्रकार से रुपेश और रमेश का कहानी, तो उसमें किस प्रकार से रमेश को पहले अंधविश्वास सुपरस्टिशन रहता था, किस तरह संदेह डाउट रहता था, और बाद में चलकर जब रुपेश अपने जब बाद में चलकर रुपेश ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनका सिलेक्शन उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, तब उनके पिताजी को समझ में आया कि इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी यहाँ पर पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से किया जा सकता है, अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, और इस तरह से पढ़ाई के लिए इसमें इंगेज किया जा सकता है। इसीलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, एक स्टडी सेंटर, और लाइक करो, शेयर करो। तो आज तक विद्यार्थियों, बच्चों, इतना ही, गुड नाइट, खाना खाओ और अच्छे से सो, मज़ा से नींद लो, और उठो और हमारा वीडियो भी देखो एक स्टडी सेंटर का, और फैला दो चारों तरफ एक स्टडी सेंटर और अशोक सर के बारे में, क्योंकि अब सारे स्टूडेंट को कामयाब बनाने का बीड़ा एक स्टडी सेंटर, अशोक सर और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन से ने उठा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ एक स्टडी सेंटर। जय हिंद।